नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको और फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशरी एग्जाम जैसे RJS, MPJS, UPJS या दिल्ली जुडिशियल सर्विस तथा गुजरात जुडिशियल सर्विस, किसी भी स्टेट की यदि आप जुडिशियल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम सिविल प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की जुडिशियल एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण CPC, CRPC, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन तथा लिमिटेशन एक्ट तथा विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट से जुड़े महत्वपूर्ण MCQs का कई वीडियो बनाए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप समस्त वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। तो CPC से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्या कोई विवादक जो सीमित अधिकारिकता युक्त सक्षम न्यायालय द्वारा सुना और अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया किसी पश्चातवर्ती वाद में प्रौढ़ न्याय अर्थात रेस जुडिकेटा के रूप में प्रवृत्त हो सकेगा? तो इसका सही आंसर होगा हाँ, वह रेस जुडिकेटा के रूप में प्रवृत्त हो सकेगा। प्रस्तुत प्रश्न CPC के सेक्शन 11 से पूछा गया है, धारा 11 रेस जुडिकेटा के संदर्भ में अर्थात पूर्व न्याय के संदर्भ में प्रावधान करती है, और सेक्शन 11 में कहा गया कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक की विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षता या सारतः विवादक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच अर्थात उसी टाइटल और उसी पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में या ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता या सारतः विवादक रहा हो, अर्थात इश्यूज वही होने चाहिए जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का उस वाद का जिसमें ऐसा विवादक वाद उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था, ऐसा न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित भी किया जा चुका है, तो ऐसे में रेस जुडिकेटा लागू होता है। अगला प्रश्न है कि रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है वह किस किस पर प्रवर्त होता है? तो यह है वाद और निष्पादन कार्रवाइयों पर प्रवर्त होता है सेक्शन 11 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि रेस जुडिकेटा से क्या अभिप्रेत है, अर्थात पूर्व न्याय या प्रौढ़ न्याय से क्या अभिप्रेत है? तो रेस जुडिकेटा से तात्पर्य है ऐसा वाद जो प्रश्नगत वाद के पूर्व अंतिमतः विनिश्चित किया जा चुका है, मतलब जो वाद अभी प्रश्नगत है यह वाद पूर्व में अंतिम तौर पर विनिश्चित किया जा चुका है, उसका फैसला दिया जा चुका है, तो ऐसे में नया वाद नहीं चलाया जा सकता। अगला प्रश्न है कि किसी पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था या आधार ना बनाए गए विषय के लिए न्यायालय के समक्ष नया वाद नहीं लाया जा सकेगा, क्योंकि ऐसा विषय पूर्ववर्ती वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवादक रहा है, इसीलिए रेस जुडिकेटा इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी पूर्ववर्ती वाद में यदि प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था या बनाया जाना चाहिए था या आधार ना बनाए गए विषय के लिए न्यायालय के समक्ष नया वाद नहीं लाया जा सकेगा।
अगला है रेट जुडिकेटा के सिद्धांत डिक्री के निष्पादन की कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं। तो ना केवल वाद अपितु रेट जुडिकेटा निष्पादन की कार्रवाइयों पर भी लागू होते हैं। धारा 11 इस संदर्भ में प्रावधान करती है। अगला प्रश्न है कि किस परिस्थिति में रेट जुडिकेटा का सिद्धांत सह प्रतिवादियों पर भी लागू होता है। तो उपरोक्त सभी कंडीशन में रेट जुडिकेटा का सिद्धांत सह प्रतिवादियों पर भी लागू होता है जब प्रतिवादी गण के बीच कोई हित विवादक रहा है, इन इश्यूज रहा है, जब प्रतिवादी गण के बीच विवाद का अंतिमता विनिश्चित किया जा चुका है और जब विवाद का निपटारा वादी को अनुतोष प्रदान करने के लिए करना आवश्यक है जिस हेतु वादी ने दावा किया हो, तो रेट जुडिकेटा प्रतिवादी गण पर भी लागू होता है। अगला प्रश्न है कि विचाराधीन न्याय के अंतर्गत कौन सा वाद लंबित रहेगा। तो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों वाद लंबित रहेंगे, एक और दो दोनों। इस संदर्भ में धारा 10 प्रावधान करती है विचाराधीन न्याय अर्थात वादों को रोक दिया जाना। कोई न्यायालय किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवादक विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के बीच जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वह या उनमें से कोई दावा करता है किसी पूर्वतन संस्थित वाद में प्रत्यक्षता और सारतः विवादक हैं, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिकता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसे ही आधिकारिकता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, तो विचाराधीन न्याय का जो सिद्धांत है वह पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती दोनों वादों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है कि धारा 10 के विचाराधीन न्याय से संबंधित उपबंध हैं। विचाराधीन न्याय की जो उपबंध है वे आज्ञापक हैं। अगला प्रश्न है कि विचाराधीन न्याय लागू करने के लिए क्या आवश्यक है। तो विचाराधीन न्याय की जो सिद्धांत है उसे लागू करने के लिए ये सभी बातें आवश्यक हैं, अर्थात दोनों वादों में से में एक ही पक्षकार या उनके प्रतिनिधि होना, दोनों वाद विचाराधीन होना, दोनों वादों के प्रत्यक्षता और सारतः विवादक या विवादित विषय वस्तु एक होना। अर्थात यदि सेम मैटर को लेकर सेम पक्षकारों को लेकर एक साथ दो केस कर दिए जाते हैं, दो सूट कर दिए जाते हैं, ऐसे में दोनों में से एक ही चल सकता है, दूसरे को रोक दिया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उनके अधीन अधिकार का दावा करने वाले के बीच प्रत्यक्षतः न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चयात्मक होगा यदि। यदि वह निर्णय भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग पर आधारित है तब विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके अधीन दावा अधिकार का दावा करने वालों के बीच प्रत्यक्षता न्याय निर्णित किसी विषय के बारे में निश्चयात्मक होगा। प्रस्तुत प्रश्न सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 13 से पूछा गया है। धारा 13 प्रावधान करती है कि विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक नहीं होगा। विदेशी निर्णय
उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच या उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच या उनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं प्रत्यक्षतः न्याय निर्णय किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चात्मक होगा जहां पहली बात आ जाती है कि वह सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है। मतलब विदेशी निर्णय कब निश्चात्मक नहीं होंगे, तो पहली बात है कि जब वह सक्षम अधिकारिकता वाले न्यायालय ने नहीं सुनाया है ऐसा निर्णय, दूसरी कि जब वह गुण अवगुण के आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है, तीसरा कि कार्रवाइयों के सकृत दर्शाने स्पष्ट हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अशुद्ध बोध या भारत की विधि को उन मामलों में जिनमें वह लागू होती है मान्यता देने से इनकार करने पर आधारित है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में वह अशुद्ध तौर पर उसे ग्रहण किया गया है। नंबर चार है कि नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है वे कार्रवाइयां जिनमें निर्णय अभी प्राप्त किया गया था। नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध थी, वह कपट द्वारा अभी प्राप्त की गई थी या वह भारत में प्रवृत्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है। तो प्रस्तुत प्रश्न यही कहा गया कि कौन सा कथन असत्य है। तो विदेशी निर्णय उन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके अधीन अधिकार का दावा करने वाले में प्रत्यक्षतः न्याय निर्णय किसी विषय के बारे में निश्चयात्मक होगा यदि वह निर्णय भारत में प्रवृत्त किसी विधि को भंग पर आधारित है, की बात असत्य है। इसके विपरीत वह निर्णय निश्चयात्मक होगा यदि वह निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा सुनाया गया है, तो वह निर्णय निश्चयात्मक होगा। वह निर्णय नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध नहीं है तो वह निश्चयात्मक होगा। वह कपट पर आधारित अभी प्राप्त नहीं किया गया है तो भी निश्चयात्मक होगा, और वह निर्णय मामले के गुणावगुण के आधार पर दिया गया है तब भी निश्चयात्मक होगा। परंतु यदि वह निर्णय भारत में प्रवर्त किसी विधि को भंग पर आधारित है तो वह निर्णय निश्चयात्मक नहीं होगा। सेक्शन 13 CPC इस संदर्भ में प्रावधान करती है। CPC की सेक्शन 13 एक नकारात्मक तौर पर सेक्शन दिया गया है कि विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक नहीं होंगे, तो वहां पर 6 कंडीशन बताई गई हैं। इन 6 कंडीशनों के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि विदेशी निर्णय कब निश्चयात्मक नहीं होता। तो दोस्तों ये थे कुछ CPC से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सिविल जुडिशरी एग्जाम के अंतर्गत कई बार पूछे जाते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए यदि चैनल को अभी तक, आज ही इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।